ऐ ईमान वालो, न तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक और बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें, तो उधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं, ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। और जब उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ देने वाला अजाब भेज दे,